जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में जिला जांजगीर चांपा के जिला प्रशासन की ओर से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इस मुश्किल घड़ी में हमारे चैनल के विशेष सहयोगी ने पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैम, जो ये कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है हमारे देश में, इसके लिए क्या सावधानी बरती जा रही है हमारे जिला प्रशासन? प्रशासन पूरी तरह से करीब 2 महीने से पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और अभी जितने भी हमारे पुलिसकर्मी या वॉलंटियर्स, एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, सभी लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको बहुत सारे सावधानियाँ जो उनको खुद को बरतनी है उसके बारे में लगातार उनको ब्रीफिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी को मास्क दिए गए हैं, ग्लव्स दिए गए हैं और सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश सभी की व्यवस्था की गई है कि वो खुद ही सुरक्षित रह सके। अभी वर्तमान में जो सबसे मेजर चैलेंज है कि माइग्रेंट लेबरर्स का वापसी आना शुरू हो गया है और ये कई नाकों के माध्यम से हम लोगों को मिल रहे हैं, कोई ट्रक में, कोई बस में बैठ के आ रहे हैं। इसके अलावा अब ट्रेनें भी आना शुरू हो गई हैं, चांपा स्टेशन पर आज पहली ट्रेन आएगी। तो इसमें ड्यूटी के समय हम लोग और विशेष सावधानी बरत रहे हैं, सभी को N95 मास्क, फेस शील्ड्स और ग्लव्स दिए गए हैं जिससे कि वो स्वयं भी सुरक्षित रह सके। मैम, स्टूडेंट्स द्वारा भी एक अनूठी पहल की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एनसीसी स्टूडेंट्स ही कोई भी स्टूडेंट पहल की गई है इसके लिए कोरोना। तो मैम, अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अभी कोरोना वायरस में, इसकी प्रिकॉशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को ये सलाह है हम सभी की कि लॉकडाउन समाप्त हो रहा है और मार्केट्स खुल गए हैं तो ऐसा भाव आने लगा है लोगों के मन में कि खतरा टल गया है, लेकिन ये जो भाव है ये बहुत हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है क्योंकि अगर आप लोग आंकड़े देखेंगे तो कोरोना के आंकड़े लगातार दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी लापरवाही का समय नहीं है और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी नॉर्म्स हैं उनका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम इस खतरे में पड़ सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रदेश में माइग्रेंट लेबरर्स का वापसी शुरू हुई है तो खतरा अभी भी बढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग सभी सावधानी आवश्यक है। धन्यवाद मैम।